रेगिस्तान के बीचों बीच पड़ा हुआ ये जमीन का टुकड़ा एक दिन दुनिया की 18th बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, ये बात शायद ही किसी ने सोची हो। 3rd March 1938, इस दिन के बाद से सऊदी अरेबिया के लोगों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल चुकी थी, क्योंकि पहली बार इस देश के जमीन के नीचे ऑयल रिजर्व्स मिले थे। आज सऊदी अरेबिया के पास दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व है और फोर्थ लार्जेस्ट नेचुरल गैस का भी रिजर्व इन्हीं के पास है, और सिर्फ इसी के दम पर आज सऊदी अरेबिया दुनिया की 18th बिगेस्ट इकोनॉमी है। इनकी नॉमिनल GDP $1 trillion क्रॉस कर चुकी है, और आज के समय इनके बजट के रेवेन्यू का 87%, एक्सपोर्ट्स अर्निंग का 90% और ओवरऑल GDP का 42% ऑयल से ही आता है। रिपोर्ट्स की माने तो इनके पास मौजूद ऑयल रिजर्व को अगर करंट रेट पर ही एक्सट्रैक्ट किया जाता रहा तो अभी इनके पास लगभग 50 सालों तक का पेट्रोलियम पड़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? और दुनिया भर में गवर्नमेंट्स ऑलरेडी अगर आप देखो तो क्रूड ऑयल पर से अपनी डिपेंडेंसी को कम करने में लगी हैं। रशिया यूक्रेन की वॉर से यूरोप तो बिल्कुल अच्छे से बात समझ चुका है कि भैया तेल पर से अपनी डिपेंडेंसी कम करो। इसके अलावा चाइना और भारत जैसे इमर्जिंग इकोनॉमीज भी समझ रहे हैं कि भैया अब रिन्यूएबल एनर्जी पर ही फोकस करना चाहिए। और दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दे ऑलरेडी खूब हेडलाइंस बनाते, जिसके चलते ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को एक तरह से प्रमोट किया जा रहा है। तो आने वाले कुछ में ये तो क्लियर है कि क्रूड ऑयल की डिमांड भी कम हो जाएगी और सऊदी अरेबिया के पास से तेल खत्म भी हो सकता है। तो सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को ये अच्छे से पता है कि आने वाले कुछ डेकेड्स में उनके सुनहरे दिन तो खत्म। तो इसी प्रॉब्लम से सऊदी अरेबिया को बचाने का एक उपाय इन्होंने निकाला है, विजन 2030। और इसी विजन को अचीव करने के लिए सऊदी अरेबिया बहुत सारे स्टेप्स उठा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा नाम अगर आपने किसी का सुना होगा वो है नियॉम प्रोजेक्ट। इसमें एक तो लाइन सिटी है 170 किलोमीटर लंबी जो मिरर से बनी है, वर्टिकल सिटी होगी। दूसरा, पानी के ऊपर फ्लोट करती हुई एक इंडस्ट्रियल सिटी की बात चल रही है, और रेगिस्तान के बीचों बीच बर्फ से ढके हुए रिजॉर्ट की भी बातें चल रही हैं। तो आज इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे कि भैया सऊदी अरेबिया का ये नियॉम प्रोजेक्ट आखिर है क्या, ये लोग कौन से फ्यूचरिस्टिक सिटीज बना रहे हैं, और इस पूरी बात की आखिर ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्योंकि वो रियलिटी इस सारे प्रमोशन से काफी ज्यादा शॉकिंग है। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली, कई सारी नई बातें आपको पता चलेंगी, तो एंड तक देखना और आगे शेयर जरूर करना। What is NEOM? In the northwest of Saudi Arabia, it'll be a hub for innovation and a line, a 500 meter high, 200 meter wide, 170 kilometer long city of the shape of, well, a line. No roads, cars, or emissions. And everything its 9 million residents could ever need within a 5-minute walk. 2017 में ना सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान ने लॉन्च किया था सऊदी विजन 2030। ये बेसिकली एक स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर सऊदी अरेबिया को अपने क्रूड ऑयल और बाकी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनसे डिपेंडेंसी को हटाना है और अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना है। अपने देश में ये लोग डिफरेंट पब्लिक सेक्टर जैसे एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, टूरिज्म, रिक्रिएशन, इन सब पर बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। साथ में इकोनॉमिक और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज को भी बढ़ाएंगे, इंटरनेशनल ट्रेड्स को भी इसमें बढ़ाएंगे, और ये सारी चीजें करने के लिए सऊदी अरेबिया अपनी जो ओवरऑल इमेज है उसको भी एक सॉफ्टर सेक्युलर इमेज की तरफ प्रमोट करने की कोशिश करेगा। इनके विजन में टोटल 3 टारगेट्स को अचीव करने की बात है। ये सऊदी अरेबिया को एक वाइब्रेंट सोसाइटी बनाएंगे, थ्राइविंग इकोनॉमी बनाएंगे और एक एम्बिशियस नेशन बनाएंगे। और ये सारी चीजें अचीव करने के लिए इन्होंने पूरा फ्रेमवर्क तैयार कर रखा है। इनके फ्रेमवर्क में अगर आप ध्यान से देखो तो 11 मेजर प्रोग्राम्स दिखाई देते हैं, और इसी के अंडर एक प्रोग्राम आता है नियॉम प्रोजेक्ट। ये नियॉम प्रोजेक्ट इन सारे में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। नॉर्थ वेस्ट सऊदी अरेबिया के ताबुक प्रोविंस में 26,500 स्क्वायर किलोमीटर में ये लोग एक हाईटेक फ्यूचरिस्टिक मेगा सिटी डेवलप कर रहे हैं। इसी का नाम इन्होंने दिया है नियॉम सिटी। नियॉम वर्ड भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ग्रीक वर्ड नियो का मतलब होता है न्यू, और अरेबिया में अगर आप फ्यूचर का सिनोनिम देखें तो वो होता है मुस्तकबाल, तो उसका एम ले लिया, तो नियो और एम बन गया नियॉम, यानी कि अ न्यू फ्यूचर। तो उन्होंने इस मेगा सिटी का नाम तो बड़ा सोच समझ के रखा है, लेकिन इस सिटी का लोकेशन देखो वो भी बड़ा स्ट्रेटजिकली लोकेटेड है, क्योंकि यहां से दुनिया के किसी भी बड़े शहर में आप जाओ 8 घंटे की डायरेक्ट फ्लाइट से आप पहुंच सकते हो। तो लोकेशन भी एकदम परफेक्ट, नाम भी एकदम परफेक्ट। अब जरूरत है तो बस इस प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल बनने के लिए,
और इसके लिए सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने दुनिया की बेस्ट कंसल्टेंसीज जैसे बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, मैकेंजी, ओलिवर वाइमन जैसे बहुत सारे ग्रुप्स को हायर कर रखा है ताकि वो इसकी अच्छे से प्लानिंग कर सकें। और रिपोर्ट्स की माने तो इस मेगा सिटी में टोटल 10 डिफरेंट रीजन्स बनने वाले हैं। इसमें से अभी सिर्फ 4 डिस्क्लोज हुए हैं। इसमें से एक का नाम आपने बहुत सुना होगा, द लाइन सिटी। इसके अलावा 3 और डिस्क्लोज हुए हैं, ऑक्सीगन, ट्रोजेना और सिंडाला। मैं आपको ब्रीफली समझाता हूँ कि ये चारों प्रोजेक्ट हैं क्या। अगर आप दी लाइन को देखो तो ये 170 किलोमीटर लंबी और 500 मीटर ऊंची और 200 मीटर वाइड लीनियर 3D स्मार्ट सिटी होगी, एक वर्टिकल सिटी होगी जहां कोई रोड नहीं होगी, कोई कार नहीं होगी, कोई कार्बन एमिशन नहीं होगा और ये शहर दोनों तरफ से ग्लास की वॉल से ढका होगा। इनके विजन के हिसाब से ये 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलने वाला शहर होगा और ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पर एक सुपर हाई स्पीड ऑटोनोमस रेल सर्विस बनाई जाएगी जो इस पूरे 170 किलोमीटर की डिस्टेंस को सिर्फ 20 मिनट में ट्रेवल कर सकेगी। कि ये वर्टिकल सिटी है तो यहाँ पर 3 लेवल्स होंगे और सबसे नीचे वाले लेवल में ये लोग ये वाली ट्रेन चलाएंगे, मिडिल वाली लेयर में रहेगा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और टॉप लेयर में जो पैदल लोग हैं वो लोग चल सकेंगे। ये क्लेम करते हैं कि बड़ा सेल्फ सस्टेनिंग सिटी होने वाला है जिसमें खुद की एनर्जी, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इनोवेशन, हर चीज का अपना सेक्टर होगा। और इसके अलावा ये शहर एक ऑटोनोमस इकोनॉमिक जोन होगा, इसके अपने लॉ, रेगुलेशन सब कुछ होंगे। ये क्लेम करते हैं कि 2030 तक यहाँ पर 90 लाख लोग रहने लगेंगे जिन्हें किसी भी जरूरत के सामान तक पहुंचने में 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगा करेगा। ये क्लेम करते हैं कि भाई बाई 2030 इस अकेली सिटी से 4.5 लाख जॉब जनरेट होंगी जो इनकी डोमेस्टिक जीडीपी में $48 बिलियन का कंट्रीब्यूशन भी करेंगी। दूसरा प्रोजेक्ट है ऑक्सीगन। ये पानी पर बसा नियोम का एक इंडस्ट्रियल हब होगा। 48 स्क्वायर किलोमीटर में बना ये एक ऐसा ट्रेड सिटी होगा जिसका कुछ हिस्सा जमीन पर होगा और बाकी हिस्सा पानी पर फ्लोट करेगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा और ये लोग AI यूज करके ऑटोमेटेड पोर्ट, लॉजिस्टिक हब्स, मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रिक्ट और शिपिंग फैसिलिटी भी ये लोग बनाएंगे। यहाँ पर एक डीसेलिनेशन प्लांट होगा जो समंदर के पानी से नमक खींच लेगा और एक हाइड्रोजन प्लांट भी होगा। एक ओशियनोग्राफिक रिसर्च सेंटर भी बनाया जाएगा। एनर्जी के मामले में देखें तो ऑक्सीजन दी लाइन की तरह ही बिल्कुल 100% क्लीन एनर्जी पर फंक्शन करेगा। MBS का विजन है कि ऑक्सीजन जो होगा वो रेड सी के थ्रू जितने भी शिपिंग राउट्स और ग्लोबल ट्रेड्स जा रहे हैं उनका एक फोकल पॉइंट बनेगा। और 2030 तक इनका कहना है कि ऑक्सीजन सिटी में 90,000 लोग रहेंगे और अप्रोक्सीमेटली 70,000 जॉब्स यहां से भी जनरेट हो जाएंगी। अगली सिटी है सिंडाला। ये रेड सी पर 840,000 स्क्वायर मीटर्स का एक एरिया बना है जो कि एक लग्जरी आइलैंड डेस्टिनेशन टाइप से होगा। यहां पर 3 होटल्स में कुल 400 से ज्यादा रूम्स होंगे, 88 विलाज होंगे, 333 सर्विस अपार्टमेंट्स होंगे और साथ में 51 लग्जरी रिटेल आउटलेट, बीच क्लब, याच क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, ये सब कुछ होगा। तो यूरोप के करीब रेड सी के नॉर्दर्न साइड में लोकेटेड होगा। इसकी वजह से उम्मीद है कि ये जो लग्जरी आइलैंड है ये इंटरनेशनल याचिंग कम्युनिटी के लिए एकदम परफेक्ट हब होगा। मतलब यूरोप के जो मिलेनियर बिलियनर्स होंगे वो यहीं आके चिल करेंगे। और इनका क्लेम है कि 2028 तक यहाँ पर डे 2,500 से ज्यादा विजिटर्स आने लगेंगे। अब इस रेड सी से चलते हैं जरा माउंटेन्स की तरफ। यहाँ पर माउंटेन्स पर 60 स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया ऐसा बनाया जा रहा है जिसे कहते हैं ट्रोजेना सिटी। ये एक ऐसा हाई ऑल्टीट्यूड स्मार्ट कम्युनिटी होगा जिसे सी लेवल से करीब 2600 मीटर की हाइट पर बनाया जाएगा। यहाँ पर इन्होंने पूरे साल को 4 अलग अलग सीजन में डिवाइड किया गया है, वेलनेस सीजन, विंटर सीजन, एडवेंचर सीजन और लेक सीजन। और इन सभी सीजन्स के लिए इन्होंने डेडिकेटेड मंथ्स और इन मंथ्स में फिक्स्ड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स के लिए पूरी लिस्ट बनाई है। उसमें विंटर फैशन वीक, म्यूजिक फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल, लाइट शो, योगा रिट्रीट और आर्ट फेयर जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स को इंक्लूड किया है। इनका मानना है कि 2026 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और 2030 तक यहाँ पर 7 लाख से ज्यादा विजिटर्स और 7,000 से ज्यादा परमानेंट रेजिडेंट्स रहने लगेंगे। और सिर्फ ये एक प्रोजेक्ट उनकी GDP में 3 बिलियन सऊदी अरेबियन रियाल को पंप करेगा। अब देखो, देखने में तो ये नियोम मेगा सिटी बड़ा कूल और फ्यूचरिस्टिक प्लान लगता है, लेकिन सबसे जरूरी बात है कि भैया ये सिटी बने तो। सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट के लिए यही अब एक ह्यूज चैलेंज बन चुका है। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट, सस्टेनेबिलिटी और इकोनॉमिक वायबिलिटी बड़े बड़े इशूज हैं और सऊदी अरेबिया में ह्यूमन राइट्स कंसर्न और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चलते नियोम प्रोजेक्ट का फ्यूचर अभी तो काफी अनसर्टेन लगता है। इस प्रोजेक्ट को अनाउंस हुए 7 साल हो चुके हैं और अगले 7 सालों में ये सब क्लेम करते हैं कि कंप्लीट हो जाएगा। और काफी हद तक अगर आप देखो तो सेम हालात विजन 2030 के साथ भी हैं। जिन प्रॉब्लम से निपटने के लिए विजन 2030 को इंट्रोड्यूस किया गया था
वो प्रॉब्लम छोटी मोटी नहीं है। विजन 2030 आज से 7 साल पहले अनाउंस हुआ था और अब बस 7 ही साल इसमें बचे हैं, यानी कि हम मिडवे पहुंच चुके हैं। लेकिन ऑयल और नेचुरल गैस पर सऊदी अरेबिया की डिपेंडेंसी अभी भी काफी हाई है। आज भी इनकी जीडीपी में पेट्रोलियम सेक्टर 42% कंट्रीब्यूट करता है। और चूंकि इस रीजन के साथ साथ पूरी दुनिया में पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर काफी अनस्टेबल चल रहा है, इसलिए काफी हद तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पर इनका विजन टिका हुआ है। और इसे अचीव करने में सऊदी अरेबिया अब तक ऑलमोस्ट नाकामयाब दिखाई देता है, और यही रीजन है जिसके चलते पूरा विजन खतरे में नजर आता है। वहीं अगर आप स्पेसिफिकली नियोम प्रोजेक्ट की तरफ देखें तो ये प्रोजेक्ट भी शुरुआती दिनों से बहुत सारे क्रिटिसिज्म झेल रहा है। सबसे पहला क्रिटिसिज्म है कॉस्ट को लेकर। देखो, नियोम प्रोजेक्ट सऊदी अरेबिया के लिए अनडाउटेडली एक मैसिव लीप फॉरवर्ड होगा, लेकिन उसके लिए उतने ही हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। नियोम को बिल्ड करने के लिए $1 trillion खर्चने होंगे और इस प्रोजेक्ट में स्पेंड करने को इतने पैसे सऊदी अरेबिया के पास नहीं है, तो इसलिए इन्हें चाहिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट। लेकिन पिछले कुछ टाइम से आप देखो तो सऊदी अरेबिया में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया करता था उसमें एक शार्प डिक्लाइन देखा गया है। अकेले 2022 में आप देखो इनके फॉरेन इन्वेस्टमेंट में 60% डिक्लाइन आया था, जो कि पिछले 15 सालों में सेकेंड लार्जेस्ट ड्रॉप था। और इसी से इनके बड़े बड़े ग्लोरियस प्रोजेक्ट्स और ओवरऑल इनके इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन का जो आइडिया है उस पर से लोगों का ट्रस्ट हटते हुए आप साफ साफ देख सकते हो। इस प्रोजेक्ट की क्रिटिसिज्म के पीछे एक और बड़ा रीजन है अभी तक की ग्राउंड रियलिटी। कहने को तो ये आए दिन बड़े बड़े प्रोमिसेस करते हैं, लेकिन 2016 में अनाउंस किए गए इस प्रोजेक्ट को अगर आप सैटेलाइट से देखो तो वहां पर सिर्फ एक सिंगल स्क्वायर दिखाई देता है जिसमें 2 स्विमिंग पूल, 1 फुटबॉल पिच और कुछ घर बने हुए हैं। इनके ऑफिशियल्स बताते हैं कि ये नियोम में काम करने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं, उनके लिए कैंप है। ऑन दी अदर हैंड, नियोम के अंदर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इनकी हालत भी सिमिलर नजर आती है। ऑक्सीजन में 2022 के स्टार्टिंग तक फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग टेनेंट्स को वेलकम करने की बात की गई थी, लेकिन अभी तक ग्राउंड लेवल पर कंस्ट्रक्शन के नाम पे सिर्फ कुछ JCBs नजर आती हैं। और इनका तो प्रॉमिस है कि ऑक्सीजन का एक हिस्सा पानी पर फ्लोट करेगा, लेकिन वो कैसे करेगा उस पर भी अभी कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। अगर आप दूसरा प्रोजेक्ट देखें द लाइन, तो वहां पर भी कुछ ऐसे पिक्चर्स नजर आते हैं। फ्लाइंग टैक्सीज, आर्टिफिशियल मून और बड़े बड़े जो इनके प्रोमिसेस हैं वो ये कैसे अचीव करेंगे उसकी रियलिटी के बारे में अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिखती। वहीं सिंडाला और ट्रोजेना, जिन्हें 2024 और 2026 तक कंप्लीट होना था, इन पर भी कोई बड़ी प्रोग्रेस नहीं दिखाई देती। और शायद इसीलिए नियोम के अंदर जो 10 रीजन ये प्रॉमिस करते हैं उसमें से अभी तक सिर्फ इन्होंने 4 को ही अनाउंस किया है। और इस 4 में भी आप देखो तो बस वीडियो और VFX का काम दिखा दिखा के ट्विटर और इंस्टाग्राम पर खूब एड के थ्रू इन्हें प्रमोट किया जाता है। आपने भी दी लाइन पर काफी यूट्यूबर्स के वीडियो देखे होंगे, लेकिन ये प्रोजेक्ट अपनी रियलिटी से अभी काफी दूर है। लेकिन इसकी डेडलाइन बड़ी तेजी से पास आ रही है, जो कि एक सबसे बड़ा कंसर्न हो सकता है सऊदी अरेबिया के लिए। नियोम की ऑफिशियल वेबसाइट भी ये क्लेम जरूर करती है कि नियोम विल बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट फूड सफिशिएंट सिटी। लेकिन जिस देश को आज भी अपना 80% फूड बाहर से इम्पोर्ट करना पड़े, उसके लिए इतना मेजर फीट अचीव कर पाना बहुत मुश्किल नजर आता है। एनर्जी की भी बात करें तो इनका दावा जरूर है कि नियोम सिटी पूरा क्लीन एनर्जी पर चलेगा और 2030 तक तो पूरे सऊदी अरेबिया के टोटल नीड्स की जो 50% एनर्जी है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से लोग जनरेट करेंगे। लेकिन 2019 का डेटा बताता है कि इनके टोटल नीड्स का सिर्फ 0.1% सऊदी अरेबिया आज रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट करता है। तो इनके प्रोमिसेस और एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी के बीच में जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये लोग कह बहुत कुछ चुके हैं, लेकिन एक्चुअल वर्क ना के बराबर हुआ है और डेडलाइन का आधा टाइम निकल चुका है। सऊदी अरेबिया में अगर आप देखो तो ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन भी एक बड़ा रीजन रहा है, जिसके चलते अक्सर लोग इनसे दूरी बनाकर रखने की कोशिश करते हैं। अब नियोम जैसे फैंसी और फ्यूचरिस्टिक सिटीज के थ्रू ये लोग मॉडर्नाइज सोसाइटी तैयार करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन आज भी इनके देश में सिग्निफिकेंट सोसाइटल कंस्ट्रेंट जैसे कि जेंडर सेग्रीगेशन, लिमिटेड फ्रीडम फॉर वुमेन, ये सब बड़े बड़े मुद्दे बने हुए हैं। और इसके चलते आए दिन इंटरनेशनल स्टेज पर सऊदी अरेबिया को मेजर ड्रॉबैक मिलते रहते हैं। और इसी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी यहाँ पर पैसा डालने से पहले 2 बार सोचते हैं। अब नियोम जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स ड्रीम करने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन किस लेवल पर ये चीजें इंप्लीमेंट की जा रही हैं ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का कहना है कि नियोम प्रोजेक्ट के लिए 2 रीजन से करीबन 20,000 इंडिजिनस ट्राइबल लोगों को फोर्सफुली हटाया गया है, और इस चीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने वाले लोकल लोगों का मुंह भी जबरदस्ती बंद करवाया गया है। अच्छा, इस पूरे प्रोजेक्ट में एक चाइना एंगल भी दिखाई देता है। देखो, मिडिल ईस्ट में ना करंट पॉलिटिकल सिनेरियो अगर आप देखो तो काफी एक बड़ा शिफ्ट दिखाई देता है, जिसमें सऊदी अरेबिया एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। सऊदी
अरेबिया और यूएस और यूरोप के बीच में जो रिश्ते थे वो धीरे धीरे खराब होते दिख रहे हैं। कभी ह्यूमन राइट्स वायोलेशन का एंगल आ जाता है, कभी ऑयल प्रोडक्शन को लेकर इनके बीच में कहासुनी होती है। और इसी को देखते हुए चाइना अब सऊदी अरेबिया के ज्यादा करीब जा रहा है। चाइना इस प्रोजेक्ट में भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन उससे ज्यादा जो ईरान सऊदी अरेबिया और चाइना की मीटिंग हुई थी उसको लेकर यूएस वाले और ज्यादा नाराज हो गए। और नियोम के इस प्रोजेक्ट में अभी तक मेजर जो इन्वेस्टमेंट था वो यूएस और यूरोप से ही मिल रहा था, तो उस इन्वेस्टमेंट में भी कमी देखी जा रही है, जिसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट पर पड़ने वाला है। अब देखो, विजन 2030 अनडाउटेडली एक बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव और एम्बिशियस प्लान है, और इसके थ्रू सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट अपने देश को मॉडर्न, डाइवर्सिफाइड और प्रॉस्परस इकोनॉमी में कन्वर्ट करना चाहती है। लेकिन इसके लिए इनकी गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और सिविल सोसाइटीज को एक साथ मिलकर नेसेसरी रिफॉर्म्स लाने होंगे, साथ में देश का ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट करना होगा। लेकिन सऊदी अरेबिया जैसे देश में ये सक्सेसफुली हो पाना थोड़ा मुश्किल नजर आता है। प्लस ये जो नियोम जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी ग्राउंड रियलिटी अभी तक तो बड़ी फ्रेजाइल नजर आती है, और दुनिया भर के ज्यादातर आर्किटेक्ट्स का ये मानना है कि एक्चुअल वर्क पर काम कम हुआ है, बल्कि इसे ओवरऑल एक ग्लोरीफाइड पीआर मशीनरी की तरह यूज किया जा रहा है। वीएफएक्स वाले वीडियो चलाए जा रहे हैं ताकि और इन्वेस्टमेंट ये लोग जनरेट कर सकें। तो सऊदी के विजन 2030 और नियोम प्रोजेक्ट को लेकर ये था हमारा पूरा वीडियो। आई होप आपको काफी नई चीजें पता चली होंगी। आई विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।